योगी सरकार छुट्टा पशुओं पर लगाम लगाने के लिए सभी जिलों में अरबों रुपए की लागत से सैकड़ों गौशालों का निर्माण तो करा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जहां देखो वहां पर आवारा पशु नजर आ जाएंगे। चाहे वह खेत हो या सड़क, स्कूल हो या फिर अस्पताल या फिर कूड़े का ढेर, जहां आवारा पशुओं का झुंड मंडराते हुए नजर आ जाएंगे, तो वहीं शहरों में सांडों की कुश्ती का दंगल होना एक आम बात सी हो चुकी है। गोंडा जिले में स्थायी और अस्थायी मिलाकर 91 गौशालाएँ बना दी गई हैं और गौशालाएँ बनने पर अन्नदाताओं को जो उम्मीदें जगी थी उस पर पूरी तरह से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। किसानों की फसलों को आवारा जानवर आज भी तबाह कर रहे हैं और इन्हीं आवारा पशुओं की वजह से आए दिन सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, जिससे आम लोगों की जान जा रही है। अरे यहाँ पर काफी संख्या में छुट्टा जानवर है, आए दिन उनसे एक्सीडेंट होता है, बच्चे चोट खाते हैं, मारते पीटते भी हैं और जो है काफी तरीके से हमें उत्पीड़ित करते हैं। जमीन जायदाद खेत बिचर लेते हैं, हमारी खेती पाती हम लोगों को नुकसान होती है। संबंध में हमने ये प्रार्थना पत्र खंड विकास अधिकारी को अभी ये दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था अभी फिलहाल नहीं है, गौशाले में जो है जानवर फुल है, अभी आप लोग उनको संभालिए और जो है हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे गौशाला बन जाएगा हम उसको ले लेंगे। अब कब बनेगा कोई पता नहीं, अब कोई पता नहीं। नहीं, गौशाला सभी जगह सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और जो शासन की मंशा है कि गौशालाओं पे निराश्रित पशु पहुंचे और शासन से जो फंड मिल रहा है उसको यूज करके वो रन करें, वैसा ही चल रहा है। और इसके लिए जो एक्स्ट्रा फंड है, जैसे अगर कहीं पे समस्या है तो CVO को पिछले बार जब मीटिंग हुई थी उसमें भी ये निर्देश थे कि कई जगह हो सकता है, ये आप उस समय भी किसी ने बात उठाई होगी, तो थे निर्देश कि इसका अगर कुछ और इलैबोरेट प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, कुछ और फंड की आवश्यकता है तो शासन को लिखा जाए। और उसी मंशा से यहाँ से चिट्ठी भी गई है और प्रोबेबली आगे और बजट का आवंटन होगा। योगी सरकार छुट्टा पशुओं को गौ आश्रय केंद्र छोड़ने के लिए कई बार निर्देश कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ छुट्टा पशु सड़कों पर, खेतों में साफ तौर से नजर आ जाएंगे। आज भी किसानों की स्थिति वैसे ही बनी है जैसा कभी हुआ करती थी। गोंडा जिले में तो लगभग 91 गौशालाएं यहां बनाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज किसानों को राहत नहीं मिल रही है। आज भी किसान अपने खेत को रातों रात जग कर रखाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और पशुओं से जो एक सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है वो है सड़क दुर्घटना। यही वो पशु हैं जो सड़कों पर बैठे रहते हैं और दिखाई न पड़ने के चलते आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट में लोगों की मौत होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो संबंधित अधिकारी हैं इस पर जरा भी सुध नहीं लेते हैं। और यूं ही आवारा पशुओं की संख्या प्रतिदिन सड़कों और खेतों में बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार ऐसे लापरवाह गैर जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई कब करती है। MKN न्यूज चैनल के लिए गोंडा से तुफैल खान।